लेकिन नरसिंह भाई हम लोग और सबूत कहाँ से लाए? हाँ, और बाबूजी के कांटे का कोई इलाज नहीं। और मार डालेगा तो वो सबूत नहीं। सबूत होगा भी तो एक रात में कहाँ से लाएंगे? सुबह मीनू की सगाई है। उधर तो शहनाई भी बजनी चालू हो गई। बस करो यार, बात खत्म। जब कोई सबूत नहीं है तो नहीं है। सबूत तो है। कौन सा सबूत? बाबूजी, बाबूजी के हर जुर्म का सबूत। खुद बाबूजी तो है ही ना। तो फिर सबूत भी हवेली में है, हर सबूत मांगने वाला भी। बस सोचना ही है कि उन दोनों को मिलाया कैसे जाए। बहुत इजी है यार, मगर करने का कैसा? इसके लिए मुझे हवेली जाना होगा। और हम लोग? हम लोग देखो, मैं रात को लौटूं या ना लौटूं, मगर कल सुबह तुम लोग सब के सब बारात लेकर हवेली जरूर पहुंचना। बारात? हाँ, अपने रवि की। सबूत मैं लाऊंगा, बारात तुम लोग लाना। मैं चलता हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? कुछ रास्तों पर सिर्फ अकेले ही जाया जा सकता है, सिर्फ अकेले। हाँ शिंदे। हुकुम बाप जी। वक्त आ गया है, कल मेरी बेटी की सगाई है। सारा शहर मेरे खिलाफ हो चुका है। अरे बाप जी, ये जेलर शिंदे आपके साथ था, आपके साथ है, और बापजी आपके साथ ही रहेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। बापजी क्या है? नरसिम्हा पकड़ा गया। कहां था ये नमक हराम? बापजी हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था। कल तक तू मेरे पैरों के पास बैठता था लेकिन जिंदा, मगर आज मुझसे बगावत करने का अंजाम देखा, मेरे सामने बंधा खड़ा है अपनी मौत के इंतजार में। क्या फर्क पड़ता है बाप जी के मैं जी या मरूं? आग तो भड़क चुकी है, अब ज्यादा देर तक आपकी यह हवेली टिकी नहीं रहेगी। मेरी हवेली यूं ही तनकर खड़ी रही है और यूं ही तनकर खड़ी रहेगी। आपका खौफ मेरी ताकत के बिना एक झूठा हुआ है बाप जी, उससे आप हुकूमत नहीं कर सकते। हाँ, कौवे जरूर भगा सकते हो। मस्जिद में बैठ के हर कौवे को यह मुगालता हो जाता है कि वही मौलवी है। मेरी मीनार पर बैठकर तुझे भी यह मुगालता हो गया है कि यहाँ जो कुछ होता है वो तू करता है। मगर जब भी आप पर मुसीबत आती थी, आप पूरे शहर को दौड़ा देते थे मुझे ढूंढने। नरसिम्हा को लाओ। तू समझता क्या है अपने आप को? तेरे जैसे कई मसल दिए मैंने। क्या करता है? मेरे खिलाफ बगावत करने वाले घासीराम पाटिल का अशर पता है क्या हुआ था? साले को मैंने जिंदा चुनवा दिया था। मगर पकड़ कर तो मैं ही लाया था। उस कैदी को तो तू नहीं लाया था ना, जिसे पूरे शहर के लोगों के सामने नीलामी में मैंने मरवा दिया था। मगर मैंने भी तो नीलामी में सबके सामने आपका चश्मा उतार दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं किया। क्यों, डर गए थे ना? अबे तू तो उसी वक्त खत्म हो जाता। मेरे 25 लठैर तुझे शहर भर में ढूंढ रहे थे। मुझे मार भी दोगे तो क्या होगा? मेरे बात रवि तो है, मेरे सीने की आग उसके सीने में जलेगी। अरे उसके बाप को नहीं छोड़ा, तू क्या समझता उसे छोड़ दूंगा? इंस्पेक्टर रस्तोगी। हाँ, इंस्पेक्टर रस्तोगी आया था साला मुझे गिरफ्तार करने। यहाँ ही लिटा दिया था साले को गुप्ती से। इंस्पेक्टर रस्तोगी का खून भी अभी नहीं किया? हाँ, मैंने किया था। धीरे बोलिए बाबूजी, धीरे। कहीं मीनू ने सुन लिया तो क्या कहेगी? क्या कहेगी मीनू? वाह वाह बाप जी, वाह। आज आपकी इकलौती औलाद अपने पिता के गुणगान, उन्हें के अपने मुंह से सुनकर बाप जी, बापजी वो धन्य हो गए बापजी। आह
हुक्म बाप जी। इसे कमरे में ले जाओ। देखा बाप जी, आपको किसी ने ना आगे से मारा ना पीछे से, ना आदमी ने ना जानवर ने, ना किसी अस्त्र ने ना शस्त्र ने, आपको तो आपकी मैंने मारा। तूने मेरे घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे मार सकते हैं बापजी, पूरे शहर को नहीं मार सकते। बापजी मार सकता है, और किसी को सुनवाना है तो उसको भी सुनवा दे। सारे शहर में दंगा फसाद करवा दूंगा, फिर से बजरंगपुरा और मोमनपुरा के लोगों को आपस में लड़वा दूंगा। वो दंगा आपने करवाया था? हाँ मैंने करवाया था, अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। हत्यारे खूनी, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे, हत्यारे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। तू बाप जी को मारेगा? ले जाओ इसे और तहखाने में चुनवा दो। बाबूजी, बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपने मेरे सारे अरमानों का तो पहले से गला घोट दिया है। रवि के बिना जैसे मैं कोई जिंदा लाश हूँ बाबूजी, लाश पर तो जुल्म मत कीजिए बाबूजी। अगर आज तेरी लाश के साथ भी सगाई करानी पड़ी तो वो भी करवाऊंगा। मीनू, तुम्हारा मंगेतर और ठाकुर साहब के सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी मैं आपके पांव पड़ती हूं बाबूजी। उनको दीवार के पीछे छुपा दिया गया है। Thank you.
छोड़ती हूँ बाबूजी, आप नीचे आइए, नीचे आइए बाबूजी। नहीं कभी नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना आगे से ना पीछे से, ना दाएं से ना बाएं से, ना आदमी ना जानवर, ना अस्त्र ना शस्त्र, मुझे कोई नहीं मार सकता। Oh,